रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की जय। जयनित लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्री कृष्ण नारायण गोस्वामी महाराज की जय। अंधेरा क्यों? पीछे से लाइट पड़ रहा है भक्त सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की जय। हाँ एक लगा दो, एक लगा दो। वैसे तो सुंदर दिख रहा है। हाँ ठीक है ना। हो गया वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांस श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथ नितम तंग सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांस ओम ज्ञान तिमिरम धस्य ज्ञानांजन सला क्या प्रसन्न वाला ना। हाँ हम में पेन बना था और एक उधर बन था। नाम विष्णु पादाय आचार्य सिंह रूपिणी श्री श्री माधुभक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नाम विष्णु पादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। अन्य अन्य मन का प्रसाद निमल आने के ना ठीक है पिंदे दे अन्य मन का प्रसाद निमल आएगी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्ते विप्रलंबर संबोधे पादाम्बुजाय इति नमो। नाम भक्ति विनदाय सचिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपायनु गबरायते गौर आविर्भावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय जसोदा नंदन व्रज
आज सुधा जीवन व्रज जन रंजन जामुना तीरवन चारे जय जामुना तीरवन चारे जय पुंज विहारे जय राधा माधव जय पुंज विहारे जय राधा माधव जय पुंज विहारे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं जं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतयातरवो विनेदुं तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जय मुदिरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरि अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज थोड़ी कथा लेट हो गई, कारण है आज श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी। हम लोग सबके सब रथ यात्रा दर्शन करने के लिए गए थे, इसलिए आते आते हमारी देर हो गई। इसलिए गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे श्री मनु महाराज जी के 5 संतान हुई, फिर 2 बेटे और 3 बेटियां हुई है। 2 बेटे में एक उत्थानपाद एक प्रियव्रत। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे श्री उत्थानपाद के कैसे 2 पत्नी थी, एक सुमिति और एक सुरुचि, एक का संतान ध्रुव और एक का नाम उत्तम है। इसका उनकी जो 3 बेटियां थी आकुति देहूति प्रसूति, कहते यहाँ पर आती है माता देहूति की कथा आती है। कहते ये जब श्री ब्रह्मा जी सृष्टि की थी, सृष्टि में उनकी परछाई से श्री कर्दम ऋषि प्रकट हुए थे। जब कर्दम ऋषि ने कठोर तपस्या की, जिस तपस्या को दर्शन करते हुए भगवान के आँखों से जो आंसू निकली थी उसमें एक बिंदु सरोवर बन गया था। भगवान ने बोले बताओ बेटा क्या बन चाहते हो, बोले प्रभु आपके चरण में हमें अहितु की अनुपायनी आपके चरण में हमें भक्ति प्रदान करो। बोले तथास्तु। बोले और कुछ बर मांगो, बोले प्रभु मेरे मन में तो संसार की कोई वासना है नहीं, लेकिन आपकी इच्छा है कि ये संसार का सृष्टि कैसे धीरे धीरे बढ़े, इसलिए आपकी इच्छा जान करके मैं शादि करना चाहता हूँ, लेकिन ये 2 शर्त पर। बोले क्या शर्त है, बोले पहला शर्त है मैं तब तक ये संसार में रहूँगा जब तक मेरी संतान नहीं हो जाए। बोले दूसरी शर्त, बोले अगर आप स्वयं मेरे बेटे बन करके आओगे फिर तो मैं शादी कर सकता हूँ। बोले कोई बात नहीं, तुम्हारी 2 शर्त पूरी होएगी। अभी माता देहूति को साथ में कर्दम ऋषि की शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद में फिर श्री कर्दम ऋषि कठोर तपस्या में बैठ गए और माता देहूति अपना पति व्रता धर्म को जाजन करते हुए उन्होंने अपना पति की बड़ी उसने सेवा की और उन्होंने इतने कठोर तपस्या की, 10,000 साल तक तपस्या में बैठी है। उन्होंने भूल गए हमने कभी शादी की है, लेकिन जब आँख खुल देखा सामने एक बुढ़िया बैठी है, क्योंकि पति जब भोजन नहीं कर रही थी तब पत्नी कैसे भोजन कर सकती है, हैं? इसलिए उसकी केस में जटाजुट हो गया था। बोले क्यों, बोले पति भी स्नान नहीं करते हैं, केस को संवारते नहीं, पर पत्नी कैसे अपना श्रृंगार कर सकती, क्यों पत्नी जो कुछ करती है पति की प्रसन्नता के लिए ही पत्नी करती है, यही पतिव्रता धर्म की नियम है। श्री कर्दम ऋषि इसकी तपस्या देख करके माता देहूति के प्रसन्न हो गई। बोले देहूति बताओ तुम क्या चाहती हो। बोले अपने शादी क्यों किया था, अपने बोला था ना ठाकुर जी अगर आप बेटे बन करके आओगे मैं शादी करूँगा। बोले हाँ। बोले अभी तो बेटा आया नहीं। बोले ठीक है जाओ तुम ये बिंदु सरोवर में स्नान करो। उसने स्नान करके जब उठी पहले जितने सुंदरी थी उससे भी ज़्यादा सुंदरी बन करके प्रकट हुई, हैं इतने सुंदरी, और उनको साथ में 1,000 दास दासियाँ प्रकट हुई,
कर्दम ऋषि ने एक विमान सृष्टि किया जिसका नाम था कामक विमान, मतलब जैसे चाहो विमान वैसे ही उड़ेगी, पेट्रोल डीजल की कोई जरूरत नहीं, और उसमें ठंडा नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी। और कितने क्रोश तक वो विमान थी, जिसमें सुंदर सरोवर, सुंदर वन जंगल, जिसमें सुंदर राजमहल बना हुआ, और जिसमें बैठो तो तुमको भूख प्यासा नहीं लगेगी तुमको, और कोई बूढ़ा बूढ़ी नहीं होएंगे। अद्भुत विमान है। इसलिए पहले का जो साइंस ही है, अभी का साइंस से बहुत एडवांस था, हैं, बहुत एडवांस था। इसलिए उसमें भ्रमण करते रहे, उनको बड़ी सुंदरी सुंदरी नौठो कन्या हुई। तब श्री कर्दम ऋषि बोले, देवती अभी तो तू खुश हो गई ना? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले बोले थे ना भगवान बेटे बन करके आएंगे, अभी तो भगवान बेटे बन करके ही नहीं आए। तो उन्होंने बड़ी पति की, उसने सेवा की, सेवा की तो भगवान प्रसन्न होकर के स्वयं से कपिल मुनि बन करके ठाकुर जी आते हैं। बोले श्री कपिल भगवान की जय। अभी जब कपिल भगवान के बेटे बन करके आए, लेकिन नियम होता है घर में जब बेटी हो ना, पिताजी का पहला कर्तव्य है बेटी की शादी करवाए, ये पिताजी का पहला कर्तव्य है। लेकिन घर में अगर एक बेटी हो ना, एक बेटी को अगर शादी कराओ तो घर का सारी संपत्ति खत्म हो जाती है। लेकिन इनके पास में 9 बेटी थी। लेकिन यहाँ पर शिक्षा देते ही जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवान का भजन करना चाहते हैं, ठाकुर जी उनकी सारी इच्छाओं को ठाकुर जी स्वयं पूरी कर देते हैं। इसलिए एक दिन ब्रह्मा जी अपना 9 बेटों को लेकर के श्री कर्दम ऋषि को पास में आए, देखा इनका 9 बेटे और उनकी 9 बेटी। बोले जोड़ी तो बड़ी अच्छी लग रही है, इसलिए शुभम शीघ्रम, शुभ कार्य को जल्दी कर देनी चाहिए। इसलिए उन्होंने एक साथ में 9 बेटी को एक साथ में शादी करा दिया, घर खाली हो गई। अभी घर में अभी श्री कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए चले गए। क्यों? उन्होंने बोले थे तब तक रहूँगा जब तक संतान नहीं हो। तब यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रश्न करते हैं, बोले भैया तुम तपस्या करने के लिए क्यों जा रहे हो? बोले भगवान को पाने के लिए। बोले भगवान तो तुम्हारे घर में ही बैठे हैं, जब घर में भगवान बैठे हुए फिर तुमको बाहर क्या जरूरत जाने के लिए, तपस्या करने के लिए। तो उन्होंने इसको पीछे बड़ी बड़ी रहस्य 3 कारण बताए। पहला कारण बताए, कहे जब तक हृदय में प्रेम नहीं हो तब तक भगवान का दर्शन नहीं होता है। लेकिन घर में तो ठाकुर जी आए, लेकिन हृदय में प्रेम कब होगा? बोले जब तक तुम साधन नहीं करोगे तब तक प्रेम नहीं आएगा। इसलिए साधन की जरूरत है। इसलिए हमारी जीवन में जो लक्ष्य है प्रेम लक्ष्य है, हमारे लक्ष्य भगवान लक्ष्य नहीं। भगवान रावण को तो भगवान राम मिले, कंस को तो भगवान कृष्ण मिले, हैं। इसलिए शिशुपाल दंत बकर को भी भगवान कृष्ण का दर्शन मिला है। लेकिन हृदय में प्रेम नहीं रहने पर भगवत दर्शन करते हुए भी कोई लाभ उनकी हुई नहीं। इसका पहला कारण है। बोले दूसरा कारण क्या है? बोले भगवान को पता है, श्री कर्दम ऋषि को पता है कि जो बेटा कपिल देव आया है वो घर में ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, वो भी कुछ दिन बाद में वो भी संन्यास लेकर जाना जाएगा। अगर घर में भगवान आए फिर घर छोड़ करके वो चले जाए भजन करने के लिए, कितना दुख की बात है। ये बोले बेटे जाने से पहले मैं ही चले जाता हूँ भजन करने के लिए, मैं ही चले जाता हूँ। इसलिए उन्होंने क्या किया, बेटे जाने से पहले उन्होंने स्वयं घर को त्याग देकर चला गया। और तीसरा जो कारण बताए, अभी भगवान बेटे बन करके आए, जब बेटे बन करके आए अभी उनको अपना बेटे रूप में देखना पड़ेगा। कहते बेटे रूप में देखो तो ये बात से रस है, लेकिन इनका जो भगवान के चरण में जो रस है वो दास्य रस है। हाँ, ये मानते भगवान मेरे प्रभु और मैं उनका दास हूँ। लेकिन भगवान जो बेटे बन करके आए, यहाँ पर बात्सल रस और दास्य रस में इनकी लड़ाई हो रही है। इसलिए उन्होंने क्या किया, घर छोड़ करके भजन करने के लिए चले गए। अभी घर में केवल माँ और एक बेटे रह गई। माँ को पता है मेरा बेटा भगवान है,
एक दिन माँ स्वयं अपना बेटे को पास में आकर के हाथ जोड़ करके प्रश्न करती, बोले बेटा तू तो भगवान हो, इसलिए मैं तो स्त्री जाति हूँ, मेरा मन बड़ा चंचल है, अभी तुम मेरे को बताओ ये भवसागर से हमें पार कैसे हो सकता हूँ। यहाँ पर शिक्षा देते हैं ये ज्ञान ऐसे के चीज है, छोटा और बड़ा चीज को विचार नहीं करता है। अगर बेटे को अंदर में अगर ज्ञान हो है, ये ज्ञान ऐसे की चीज है, जहाँ पर ये ज्ञान रहता है उसको ये सर्वश्रेष्ठ बना देता है। ये नहीं अरे ये तो मेरा बेटा है, अरे ये हमें क्या कथा सुनाए, हम तो इसके पिता है, बोले नहीं, जहाँ पर ज्ञान होगा वो व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ बना देता है, वहीं से हमें अच्छे चीज को ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए माँ स्वयं आकर के अपना बेटे से ज्ञान की बात प्रश्न करती हैं, तब भगवान अपना माँ को उपलक्ष्य करते हुए हमारे जीव जगत को उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर ज्ञान की बात बताई, बोले माँ ये भवसागर से पार होने का सबसे जो सरल उपाय है ये साधु संग, और ये मन को तुम एक काम कर, ये मन को तुम साधु संग में लगा दो। क्यों? कहते मन एव मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्ष हो, कहते यही मन ही बंधन का कारण है, यही मन ही मुक्ति का कारण है। जब ये मन को हम साधु संग में लगा देंगे फिर ये मन मुक्ति के कारण बन जाएगा, लेकिन ये मन को जब हम विषय में लगा देंगे फिर बंधन का कारण बनेगा। इसलिए माँ तू एक ही काम करो, तो भक्तों का संग करो। इसलिए तब मैया ने पूछा बेटा तुमने तो बता दिया भक्तों को संग करो, अभी हम भक्तों को पहचानेंगे कैसे, भक्तों का कुछ तो लक्षण होनी चाहिए ना, तिलक कंठी माला धारण कर लिया बस उसको पीछे हम भागने लग गए, यही भक्त है, इसलिए उनका कुछ लक्षण बताओ। तब तो भगवान ने बोले बोले माँ बोले तितिक सवकारुणिक सुहृद सर्वदेही नाम अजात सत्र वसांता साधु भी साधु भूषण है, इसलिए साधुओं का कुछ तटस्थ लक्षण होता है, कुछ उनकी स्वरूप लक्षण होता है, यहाँ पर इनके दो लक्षण बताए, इसलिए ये जो श्लोक है इनके तटस्थ लक्षण बता रहे। तटस्थ लक्षण मतलब उनकी जो बाहर का जो लक्षण है, बोले क्या किया, बोले तितिक्षव मतलब होता है सहन शक्ति, इसलिए बोले जो सहे सो रहे और जो नाश है वो नाश है। अगर थोड़ी थोड़ी बात में क्रोध आ जाए, चंचलता आ जाए, पर भगवान की भक्ति कैसे करोगे, और भगवान की भक्ति जगत में तो भक्ति मार्ग यह कोटि कंठ करूंगा, ये भक्ति मार्ग में करोड़ कांटा युक्त ये भक्ति मार्ग, पुरश्च धारा तया निशित दुरतया दुर्गम तस्तत कवयो वदंती, इसलिए कवि लोग कहते हैं कि जो भक्ति का मार्ग है जैसे किसी ब्लेड के ऊपर में जैसे चलना है, जैसे सेब कहते हैं ना अगर थोड़ी सी इधर उधर हो जाए ना कट जाती थी, इसलिए ये भक्ति मार्ग में बड़ी सावधानी पूर्वक भक्ति मार्ग में हमें चलनी चाहिए। इसलिए भक्तों का पहला गुण है सहन शक्ति। इसलिए प्रभुपाद अंतिम उपदेश प्रभुपाद दे कर गए, बोले देखो सत्य लांछना सत्य गंजना सत्य अपमान सुन कर के भी हरि भजन नहीं छोड़ना, ये प्रभुपाद का ये अंतिम उपदेश है। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं पहला लक्षण इनकी तितिक्षव, हरिदास ठाकुर के ऊपर में 22,000 में पिटाई हो गई, लेकिन पिटाई खाने का बाद में भी हैं ये क्या कहते हैं, कहते भगवान बड़े दयालु हैं, मैंने इन्हीं कानों से भगवान की निंदा सुना है ना ठाकुर जी, केवल थोड़ी सी दंड दे करके मेरे को छोड़ दी, इनकी ये उपदेश है। लेकिन हमारे जीवन में अगर थोड़ी सी कहीं इधर उधर हो जाए ना, खाना नहीं छोड़ेंगे, पीना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, सबसे पहले माला छोड़ देंगे, हैं ये जीवन में ये माला जितना गड़बड़ी है, हैं भगवान के भजन छोड़ने के लिए हम पहले तैयारी बैठे हैं। इसलिए भगवान कहते बोले माँ ये जितने भजन में जितने बाधा आने पर भी कोई प्रभु की भजन नहीं छोड़नी चाहिए, और दूसरा लक्षण बड़े कारुणिक के बड़े दयालु होते हैं,
अतिथि सब कारण कुबल सुहृद सर्वदहीनाम है, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम, सबको सबको वो अपना एक परिवार मानते हैं, संत हैं। इसलिए तदीय संतों का ये सब बड़े 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 लक्षण हैं, लेकिन ये कहते उनका स्वरूप लक्षण क्या है, बोले उनका स्वरूप लक्षण है मई अनन्य भावे न भक्ति गुरबंती जय दृढ़ा, ये इनकी स्वरूप लक्षण है। बोले माँ इनकी जो अंदर का जो लक्षण है मई अनन्य भावे न भक्ति गुरबंती, वो एकनिष्ठ होकर के केवल मेरी भजन साधन करते हैं, वो और किसी को भजन नहीं करते हैं। सबका सम्मान दो लेकिन हृदय में केवल कृष्ण को बैठा, अपना इष्ट को बैठानी चाहिए। बहुनिष्ठ होने पर भगवान की भक्ति नहीं होता है, क्योंकि हमारे मन एक ही मन है, ये एक मन को किसी एक को व्यक्ति को ही दे सकते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, और मन मना भव कर, ये मन केवल मुझे दो, मद भक्त भव केवल मेरा ही भक्त बनो, माम जाजी पूजा केवल मेरी करो, और माम नमस्कुरु केवल प्रणाम मुझे ही करो, अब माम एससी फिर तब तुम मेरे को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए भक्ति एक अनिष्ट भक्ति होनी चाहिए, बहुनिष्ठ भक्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए भगवान के लिए माँ अगर ये मन को कंट्रोल करना तो साधु संग करो, अगर साधु संग करोगे होगा क्या, बोले सतांग प्रसंगात मम वीर जसंविदो भवन्ति हृत्कार न रसायन कथा ताजो सनासु अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारति भक्ति अनोक्रमिष्यति। जब मेरे भक्तों का संग करोगे उनकी प्रसंग में जो मेरी बीजवती कथा होती है वो कथा श्रवण करने पर कथा में इतने ताकत है, यही कथा ही तुम्हें पहले श्रद्धा उत्पन्न कराएगी, यही कथा ही तुम्हारे हृदय में फिर रति उत्पन्न कराएगी, यही कथा ही तुम्हें फिर प्रेम उत्पन्न करा देगी। ये कथा श्रवण करते करते और कथा सुनने से क्या होगा, बोले अप वर्ग वर्तमनी, जो प वर्ग है, प वर्ग मतलब प फ ब भ और म, बोले प मतलब बोले प में परिश्रम, बोले फ मतलब फेन जान, बोले ब मतलब व्यर्थता, भ मतलब भय और म मतलब मृत्यु। कहते अगर माँ ये साधु संग करोगे तो ये जो पांच है वस्तुएं संपूर्ण नष्ट हो जाएगा, मतलब जन्म मृत्यु दुख कष्ट से चिरकाल के लिए तुम मुक्त हो जाओगे, इसलिए तुम साधुओं का संग करो। हैं बोले माँ अगर ये जीव साधु संग पा करके अगर भक्ति नहीं करता है, साधु संग नहीं करता है, फिर जीव को वही 84 लाख जन्म में फिर भटकना पड़ता है। हैं फिर जीव जब मरता है, जो व्यक्ति प्रभु का भजन नहीं करते हैं, कहते जैसे 13 दिन बाद में शुद्धि क्रिया होता है, बोले क्यों, कहते उसको एक बेहतर नदी पार करना पड़ता है मरने का बाद। मरने का बाद हम जो कर्म करते हैं काय मन और वाक्य से करते हैं, इसलिए मरते समय 3 जमदूत आते हैं और गला में काल फांस को लगाते हुए गर्म रेतियों के ऊपर भी घिसड़ते हुए ले जाते हैं, रास्ता में कुत्ते और सियार ये मांस को नोच नोच करके खाते हैं, फिर उसको जो बेहतरीन नदी पार करना पड़ता है, वो नदी टाटी पेशाब खून पी का, और उसको कोड़े मार मार करके नदी पार कराते हैं, उसको 13 दिन लग जाते हैं, इसलिए 13 दिन बाद में शुद्धि क्रिया होती है। इसलिए जब उसको नदी पार करके ले जाते हैं, ले करके फिर उसको कहाँ ले जाते हैं, फिर उसको जमपुरी में ले जाते हैं, फिर उसको जम महाराज के सामने खड़े कर दिया जाता है, और उसको कर्म के अनुरूप उसको फिर 84 नरक में उसको अपना अपना कर्म हिसाब से फल भोगना पड़ता है, फिर उसको बाद में कर्मों में भोगने के बाद उसको फिर चंद्रलोक में भेज देते हैं। चंद्रलोक में भेजने पर कहते उसका आत्मा चंद्रलोक में जा कर के फिर क्या होता है, जब बारिश ही होता है वो बारिश का माध्यम से वो जीव किसी वृक्ष में आकर के वो आश्रय लेता है, आश्रय लेने पर फिर ये वृक्ष में एक फल रूप धारण करता है, फल रूप धारण करने पर कहते ना दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ,
फिर जिसकी भाग्य में जो फल लिखा हुआ होगा वही फल को फिर वही खाएगा, खाने पर शरीर में वही फल ही बीज रूप धारण करता है। फिर जब पति पत्नी का मिलन होता है फिर पत्नी के गर्भ में प्रवेश करती है, करने पर फिर वही जीव ही है, फिर तो एक इंसान बनकर के फिर वो जीव जन्म ग्रहण करता है, इंसान बनकर के वो जीव जन्म ग्रहण करता है। कहते पहला महीना में कितना होता है, 5 दिन में एक बद्री फल जैसे, 1 महीना में 2 महीना में ऐसे करते करते जब 7 महीना होता है मातृ गर्भ में, उसको फिर अपना पूर्व जन्म की कर्म का फल याद आता है। 7 जन्म में जीव के अंदर में प्राण संचार होता है, फिर उसकी 1000 जन्म की बात याद आता है, पूर्व जन्म में मैंने कैसे कैसे कर्म करके हैं, मैंने पैसा उपार्जन किया, जब पैसा उपार्जन किया उसी समय में सुख का समय में पूरा परिवार थे, लेकिन जब कर्म का फल भोग कर रहा हूँ कोई नहीं आ, कर्म का फल हमें अकेला लेना पड़ रहा है। फिर उनको भगवान को पुकारता है, हे प्रभु हमें गर्भ से एक बार निकाल दो। बोले निकाल दूंगा तो क्या करोगे, बोले प्रभु मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कभी भी ये झूठे संसार में मैं फंसूंगा नहीं, क्योंकि मैंने देख लिया दुनिया बड़ा विचित्र है, क्योंकि सुख का समय सब साथ में है और दुख का समय में कोई भी नहीं है, इसलिए उठते बैठते सोते केवल तेरा नाम जप करूंगा, तेरा भक्ति करूंगा। बोले ये दुख में पड़ करके ये सब कसम खा रहे हो, लेकिन जब संसार में चले जाओगे भाई बंधु पुत्र परिवार की मोह में फंस कर फिर भजन नहीं करोगे। बोले प्रभु कभी आपका नहीं भूलूंगा। बोले अगर भूल जाओगे ना बीच बीच में वार्निंग दूंगा। बोले क्या वार्निंग दोगे, बोले जब पहले के बाल पक जाए मेरा फर्स्ट वार्निंग है। पहला बाल कहाँ पकता है, यहीं पर कानों से, पहला कहाँ पर वार्निंग दिया, बेल कान में सावधान बोल कर गया था ना भजन करने के लिए, कितना भजन कर रहे हो और कितना समय टीवी देखते हो और कितने समय उल्टा पुल्टा बात में बिताते हो, लेकिन हम क्या करते हो बाल को उखाड़ कर फेंक देते हैं, उसकी वार्निंग हम नहीं सुनते हैं। फिर भगवान दूसरा बाल भी पका देता है, फिर उखाड़ देते, जब खिचड़ी बन जाते फिर कलर कर देते, फिर भगवान कहते दूसरा वार्निंग, फिर आँख में कमजोरी हो जाती है फिर चश्मा पहन लेते हैं, तीसरा वार्निंग में एक एक दांत तोड़ना शुरू करते हैं, फिर डेंटिस्ट के पास में जा करके नए नए दांत फिर लगा देते हैं, खिलखिला कर हंसते हैं, बोले हमारे कुछ भी नहीं हुआ है। भगवान कहते फोर्थ वार्निंग दूंगा, बोले क्या करोगे, बोले कमर तोड़ दूंगा, फिर 2 पैर से 3 पैर हो जाते हैं, डंडे पकड़ करके चलते हैं। भगवान कहते फिर 50 वार्निंग देता ही नहीं, फिर तो राम नाम सत्य है, इसलिए कहते ये भगवान ये एक एक वार्निंग देते हैं, इसलिए कहते हैं ये कहते माँ फिर ये जो जीव है हैं, फिर जन्म ग्रहण करके फिर भगवान की भक्ति अगर करे तो ये भवसंहार से पार हो जाता है, अगर भक्ति नहीं करे तो फिर 84 लाख जीवन में जीव को भटकना पड़ता है। इसलिए माँ ये जीवन पा करके समय को नष्ट नहीं करके क्या करनी चाहिए, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, पा करके भगवान की भक्ति करते हुए ये जीवन को धन्य कर देनी चाहिए। इसलिए बोले माँ भले ही किसी कुल में क्यों जन्म नहीं हो, इसलिए यहाँ कहते अहो वत सपचो अतो गरियान जत जिहाग्र वर्तत नाम तुभ्यम, कहते वो चंडाल क्यों नहीं हो, अगर इसकी जुहा की अग्रदेश में भगवान का नाम अगर ऊंचा न होता है, माँ क्या समझनी चाहिए, पूर्व जन्म में उसने 4 काम करके आए, सारे तपस्या करके आए, सारे तीर्थ करके आए, सारे यज्ञ और सारे दान करके आए, तभी इसी जीवन में इसकी जुहा की अग्रदेश में भगवान का नाम उच्चारण होता है। इसलिए किसी कुल में क्यों जन्म नहीं हो, चंडाल कुल में क्यों जन्म नहीं हो, वो अगर भक्ति करता है सर्वश्रेष्ठ है, अगर ब्राह्मण घर में क्यों जन्म नहीं हो, अगर प्रभु की भक्ति नहीं करता है वो चंडाल चंडाल से भी वो गया भी था वो व्यक्ति। इसलिए भगवान माँ को दिव्य ज्ञान प्रदान करके उन्होंने चले गए गंगा सागर चले गए, इसलिए गंगा सागर में साल में मकर संक्रांति का दिन जब वो पानी अपने आप नीचे उतरने आने लग जाती, वहाँ पर एक सुंदर उनका एक मंदिर ही है,
कहते साल में भगवान कपिल देव का बोले एक बार दर्शन देते हैं। बोले श्री कपिल भगवान की, बोले श्री कपिल देव की जय। हरे कृष्ण, एक मिनट कीर्तन कर दो। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बोलो हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल 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 हरि जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्री बलदेव प्रभु की, बल श्री सुभद्रा देवी की, बल श्री सुदर्शन चक्र की, हिताई गौर ब्रह्मानंदी हरि हरि बोल। शेष नुआ कपड़ा आसनी ना आसला नहीं गई। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हाँ हरि बोल हरे कृष्ण। कहते उनकी थी, उनको जो तीन बेटी थी मनु महाराज के, आकुति देहुति और प्रसूति। कहते जो ये प्रसूति को साथ में जो शादी है, कहते ये दक्ष प्रजापति की हुई और दक्ष प्रजापति से हैं, कहते उनको 13 उनकी कन्या हुई है और 13 कन्या में सबसे जो छोटी कन्या थी, सबसे सुंदरी सबसे प्यारी है, कहती जिसका नाम थी सती। लेकिन ये सती कहती ये युवती अवस्था में उसने अपना शरीर त्याग की। बोले क्यों? बोले दामाद और ससुर में लड़ाई हो गई। भीतर चले, इसलिए कहते जो दामाद और ससुर में लड़ाई हो गई। तब यहाँ पर श्री प्रश्न करते, भैया जो ससुर है कौन है? कहते श्री शंकर जी। लेकिन शंकर जी कौन है? शंकर जी कौन है? कहते ये सत्यम शिवम सुंदरम, ये ससुर हैं। कहते ये तो सत्यम शिवम सुंदरम शंकर जी। फिर इनके साथ में दामाद और ससुर की लड़ाई किसी लिए हुई, कारण क्या है? बोले इसमें बड़ी लंबी कहानी है। बोले क्या है? बोले जिस समय पितामह ब्रह्मा ने ये दक्ष प्रजापति को उन्होंने प्रजापति पद में नियुक्त कर दिया, कि जो पद ये ऐसे की चीज है, कहते प्रभुता पाई और काम मद नाई।
इसका मतलब है अगर किसको थोड़ी सी बड़ा पोस्ट मिल जाए ना, तब ये गोस्वामी जी कहते बोले का मद नहीं। का मद मतलब होता है ये प्रतिष्ठा और पद, ये ऐसे एक चीज है जगत में, ऐसे कौन सा व्यक्ति हो जिसके अंदर में ये अहंकार नहीं आता, सबको अहंकार आ जाएगा। हाँ, अगर कोई भगवान की भक्ति करता है, भजन करता है, फिर तो वो हर समय अपना को त्रिनादपि सुनिचेन तररपि सही सुनुना अमानी नांग मान देन कीर्तन। वो हर समय आपको दीन ही नहीं मानता है, हम तो भगवान के दासों का हम दास है। लेकिन अगर सही कोई भक्ति करे, नहीं तो ये जो पद मर्यादा अहंकार, इसको कोई नहीं छोड़ सकते हैं, कई ऐसे की चीज है, इसलिए उनका अंदर में बड़ा अभिमान हो गया है। मैं प्रजापति पद में नियुक्त हूँ। एक दिन कुंभ मेला में वहाँ पर सारे देवता लोग एकत्रित हुए, लेकिन सारे देवता लोग तो पहले आ गए, लेकिन जो ये दक्ष प्रजापति था ये जानबूझकर के लास्ट में आया। बोले क्यों? बोले मैं प्रजापति हूँ ना, इसलिए जब उन्होंने सभा में प्रवेश किया, सारे देवता में श्रेष्ठ है, सारे देवता लोग खड़े होकर के स्वागत किया, लेकिन वो ऐसे ऐसे कर दिख रहा था कौन कौन आए और कौन कौन नहीं आए, और मैं प्रवेश करने पर कौन खड़े हुए और कौन खड़े नहीं हुए। कहते सारे देवता खड़े होकर के उनको स्वागत की, लेकिन केवल दो व्यक्ति खड़े नहीं हुए। बोले कौन? बोले एक शंकर जी और एक ब्रह्मा जी। बोले ये ब्रह्मा तो पिता है हमारे, कोई बात नहीं है पिता, लेकिन ये शंकर है, मैं सबसे मेरी प्यारी बेटी है जो सुंदरी मृगनयनी सती को मैंने ब्रह्मा जी बोलने पर तभी ये बेटी मैंने इसको दिया है, जब बेटी दिया ये मेरे बेटा जैसे है। और मैं ससुर आया और थोड़ी सी खड़े होकर भी नहीं किया, उसने क्या किया, भरी सभा में इतने बुरी तरह से शंकर जी को गाली दिया। हाँ, बड़े उल्टा पुल्टा शंकर जी को बोले देखो बंदर जैसे आंखें लाल लाल करके बैठा हुआ, मैं अपना बेटी देना नहीं चाह रहा था, ये ब्रह्मा जी बोलने पर सबसे प्यारी सुंदरी बेटी इसको मैंने दिया, मैं इसके पिता लगता हूँ, मैं प्रवेश किया तो थोड़ी खड़े होकर सम्मान तक भी नहीं किया। लेकिन शंकर जी तो जोगी महाजोगी सत्यम शिवम सुंदर परम वैष्णव शंकर जी, लेकिन वो आंख बंद किए हुए और मन मन में मुस्कुरा रहे। अगर किसी व्यक्ति को गाली दो, अगर वो व्यक्ति बैठ बैठ करके मुस्कुराए, फिर क्या होगा? और भी ज्यादा क्रोध आएगा। बोले देखो इसको मैं गाली दे रहा हूँ और बैठ बैठ करके निर्लज रह गया, फिर ये मुस्कुरा रहे हैं। फिर तो उन्होंने शंकर जी को ऐसे गाली दिए है, शंकर जी खूब उल्टा पुल्टा गाली जब दिए, इतने में वहाँ पर श्री नंदी था, नंदी कौन? शंकर जी की बहन। उन्होंने देखा शंकर जी चुपचाप बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसलिए ये इसका फायदा उठा रहा है। अगर शंकर जी तीसरे नेत्र खोल देना, जला करके दुनिया को राख बना देते हैं, क्योंकि संघार की कर्ता शंकर जी, इसका ये फायदा उठा रहा है और बैठ बैठ कर बकबक 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 कर रहे हैं। बोले तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ, हैं? बोले तुम्हारी जो सर कट जाएगी, तुम्हारी सर पर बकरी का सर लगेगी, हैं? इसलिए बकरी जैसे बकबक 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 करते जा रहे हो। जो इतना बोल दिया, वहाँ पर भृगु ऋषि बैठे हुए थे, भृगु ऋषि ने कहा ये दामाद और ससुर का लड़ाई, फिर तू बीच में कौन होता है बोलने के, क्यों तू बीच में खड़े होकर बोल दिया, हैं? बकरी का सिर लग जाएगा। फिर तो भृगु ऋषि को सहन नहीं हुआ, उसने तो जितने शंकर जी के भक्त थे ना उनको पाखंड बना दिया, हैं? बोले भव व्रता धरा जेचतान समान व्रता पाखंडी नस्ते भवंतु सत शास्त्र परिपंथी ना। उनको बोले जो शंकर जी की भक्ति होएंगे, भक्त होएंगे, क्या होगा? भव व्रता धरा जेज, इसलिए पाखंडी नष्ट, सब कुछ पाखंडी बनेंगे, नष्टाचार मूढ़ दिया। कहते उनका जो आचरण होगा ना, एकदम स्मशान में बैठ रहेंगे, शरीर में राख बलेंगे और खोपड़ी में शराब पिएंगे,
उनका आचरण आचरण भ्रष्ट होगा, मूढ़ दिया उनको बुद्धि, मूर्ख बुद्धि वाले होंगे, जितने शंकर जी के भक्त सब पाखंड बनेंगे, हैं। इसलिए नष्टाचार मूर्ख मूढ़ दिया, सत शास्त्र परिपंथी न, शुद्ध शास्त्र से सबके सब विमुख रहेंगे। जब ऐसे बोले इतने में नंदी को तो सहन नहीं हुआ, बोले क्या तुमने जितने शंकर जी के भक्तों को नष्टाचार भ्रष्टाचार और मूर्ख और तुमने पाखंडी बना दिया, मैं भी अभिशाप देता हूँ जितने ब्राह्मण कलयुग में होंगे, हैं, जितने ब्राह्मण कलयुग में होंगे वो सब के सब भीख मांगने वाले होंगे और कलयुग में दर 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 भटकते रहेंगे। सचमुच से देखो कलयुग में जितने ब्राह्मण हैं, कहीं तीर्थ जगह में जाओ एक पैसा के लिए इतने पीछे पड़ जाएंगे, तुम्हारे पीछे नाक दम कर देते हैं। और कलयुग में जितने सब ब्राह्मण सब भीख मांगने वाले बन गए। इतने में अभी दोनों में तो सपासमी शुरू हो गया। शंकर जी ने देखा कहाँ ये स्वागत समारोह हो रहा था, यहाँ तो सपासमी होने लग गई। शंकर जी कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप सुनकर वहाँ से चले गए। शंकर जी जब चले गए, देखो यहाँ पर बहुत शिक्षा की बात है, यहाँ पर प्रश्न हो रहा है शंकर जी क्यों दक्ष प्रजापति को खड़े होकर के सम्मान नहीं किया, उन्होंने छोटी बेटी दिया, ये तो दामाद है, वो तो ससुर है, खड़े हो जाते उसमें क्या था, थोड़ा सम्मान हो जाता ना, खुश हो जाता, लेकिन फिर सम्मान क्यों नहीं दिए, इसका दो कारण बताए। कहते पहला कारण है शंकर जी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव नाम जथा संभो, ये अग्र वैष्णव में अग्रगण्य वैष्णव है, ये उत्तम वैष्णव है। उत्तम वैष्णव का लक्षण क्या है, सर्वभूतेषु जपसेत् भगवत भाव, हर जीवों को अंदर में जो भगवान को दर्शन करते हैं और भगवान में सब जीव को जो दर्शन करते हैं, ये उत्तम लक्षण है। इसलिए और वो कौन, बोले दक्ष, दक्ष प्रजापति, बोले किस चीज में दक्ष है, बोले प्रजापति सृष्टि में दक्ष है, भक्ति में नहीं है, वो स्थूल बुद्धि वाले, शंकर जी सूक्ष्म बुद्धि वाले, शंकर जी उनके हृदय में परमात्मा रूप में जो भगवान बैठे हैं, शंकर जी उनको प्रणाम किया, शरीर को नहीं उनको मन मन में प्रणाम किया, क्यों उत्तम वैष्णव, लेकिन ये उत्तम वैष्णव का भाव ही नहीं समझा, ये एक कारण है। दूसरा कारण है उनके हृदय में जो भगवान बैठे हैं, जब भगवान को बैठे उनको प्रणाम कर लिया, क्या हो गया, बोले यथा तरोर मूलम निशन तृप्यंति तत्स्कंद भूजो को सखा, जैसे कि वृक्ष का जड़ में पानी देने से क्या होता है, पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, उसमें फल फूल अपने आप सब हरे भरे हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं जहाँ पर कृपा हरि की वही ता पर कृपा कर सब गुरु, जब हम भगवान को प्रणाम कर लेते हैं, भगवान के अंदर में विश्व ब्रह्मांड बैठे हुए सबको प्रणाम, अपने आप सबको प्रणाम हो जाता है, फिर अलग रूप में हमें और किसको प्रणाम नहीं करनी चाहिए, हैं, क्योंकि भगवान को प्रणाम कर लिया। लेकिन शंकर जी की जो इतने उत्तम श्रेष्ठ भाव को दक्ष प्रजापति समझा नहीं और बिना कारण से शंकर जी को उन्होंने अभिशाप दे दिया। लेकिन यहाँ तीसरा प्रश्न होता है, शंकर जी के जितने भक्तों को उनको पाखंडी बना दिया, हैं, यहाँ पर भृगु ऋषि ने शंकर जी के भक्तों को अभिशाप दिया ना, सब पाखंडी बनेंगे नष्ट, पर शंकर जी पर चुपचाप सुने क्यों, कुछ बोले नहीं क्यों, शंकर जी को पता ये सही बात है, ये गलत नहीं बोल रहा है, भृगु ऋषि का अभिशाप है ना, ये फलेगा क्योंकि ये सही बोलता है। इसलिए कलयुग में जितने शंकर जी के दो तरह के भक्त है, एक भक्त है रुद्र को जो उपासना करते हैं और एक भक्त है जो सदाशिव स्वरूप को उपासना करता है, जो सदाशिव स्वरूप को उपासना करते हैं, हैं, वो लोग शंकर जी को वैष्णव मानते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, हैं, शंकर जी बड़े दयालु कृपालु, इसलिए श्रीमद गोपीश्वरम वंदे शंकरम करुणामयम सर्वक्लेश हरम देवम वृंदारण्यम रतिव्रतम, इसलिए कहते गोपेश्वर ब्रज विलास युगांग्री पद में प्रेम प्रज चंडितराम निरुपाधिकाम, शंकर जी की कृपा से भगवान की भक्ति भगवत प्रेम प्राप्त होता है, हैं, शंकर जी आदि गुरु शंकर जी है, इसलिए जो उनकी
सदा शिव स्वरूप उपासना करते हो तो भक्त बनते हैं, वो तो भक्त भक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन उनका दूसरा स्वरूप रुद्र स्वरूप है, और रुद्र स्वरूप में शंकर जी ये दुनिया को संहार करते हैं। इसलिए देखो वो उह स्वरूप को जो भजन करेगा उसको पाखंडी बनेगी। देखो रावण, देखो किसको पूजा करता था, शंकर जी को, माता सीता को उठा करके ले गया, और कितना दुष्ट बदमाश था। बृकासुर किसको उपासना करता था, शंकर जी को। हाँ, बाणासुर किसको पूजा करता था, शंकर जी को। इसलिए जितने असुरों का नाम लोगे ना, सब शंकर जी को पूजा करने वाले, क्योंकि आप जिसको उपासना करोगे उसका तो कुछ गुण आएगा ही अंदर में ना, जिसको पूजा करोगे। इसलिए शंकर जी के जितने भक्तों को देखोगे सब तामसिक प्रवृत्ति, सब असुर असुर असुर। बोले क्यों, बोले ये सब के सब रुद्र स्वरूप को उपासना कर रहे थे, इसलिए शंकर जी को ये बात पता है, इसलिए शंकर जी कुछ नहीं बोले। लेकिन इस शंकर जी के जो भक्त नंदी, वो भी ब्राह्मण को अभिशाप दिया। ये नंदी तो साधारण है ही नहीं, शंकर जी की बहन है, परम भक्त है, ये भी अभिशाप दिया। बोले इनके अभिशाप भी व्यर्थ नहीं जाएगा, बोले बात सही है। इसलिए ब्राह्मण दो तरह का ब्राह्मण है, कहते एक कर्मी कांडी ब्राह्मण है और एक भक्त ब्राह्मण है। इसलिए कलयुग में जितने कर्म कांडी ब्राह्मण होंगे, हैं अपना कर्म में रहते रहेंगे, उनके लिए ये अभिशाप है, इसलिए भक्त ब्राह्मण के लिए ये अभिशाप नहीं। इसलिए शंकर जब चले गए, फिर दक्ष प्रजापति हैं उसको तो सहन नहीं हुआ, दक्ष प्रजापति को सहन नहीं हुआ, उसने फिर शंकर जी को अपमान करने के लिए हरिद्वार का कनखल में गए, फिर वहां पर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया, सबको निमंत्रण का कार्ड दिया, लेकिन केवल शंकर जी को उन्होंने निमंत्रण कार्ड नहीं दिया, विहीन यज्ञ। इसलिए शंकर जी ऊपर में बैठे हुए थे, कैलाश को ऊपर में बैठे हुए थे ध्यानस्थ में, और जितने उनके तो 13 बहन थी, और सारे बहन को पास में नौता गई, और सारे बहन अपना दामाद को साथ में सुंदर विमान में बैठ करके जा रहे थे हरिद्वार, पिताजी की यज्ञ में जा रहे थे, और बड़े सुंदर कीर्तन करते हुए वाद्य बजा करके गा गा करके जा रहे थे। अभी ये जो संसार है, संसार में आनंद कब आता है, सब बहन तो शादी पर चले गई, लेकिन फिर कभी इनका मिलन होता है। अगर पिताजी के घर में कोई उत्सव हो, पिताजी अपना बेटियों को निमंत्रण, दामाद को निमंत्रण दे, फिर क्या होता है, सारे दामाद और बेटी आते हैं, आने पर फिर वहीं पर ही अपना बहनियों से फिर दामादों से मुलाकात होती, यही संसार में एक आनंद है, हैं यही आनंद। वहाँ पर खूब उत्सव होगा, खाएंगे पिएंगे, पिताजी कपड़ा लता गहना देंगे और बेटियाँ ग्रहण, यही संसार में आनंद। इतने में सती ने देखा हमारी सारे बहन दामाद जा रहे हैं, लेकिन शंकर जी अकेले बैठी करके तो भजन कर रहे हैं और हम ही नहीं जा रहे हैं। इतने में माता सती ने शंकर जी को बोले, देखो शंकर जी, आपको जो दामाद है ना, आपका जो ससुर है, यज्ञ कर रहे हैं, देखो सारे दामाद बहन जा रही है विमान में, चलो हम भी चलते हैं। लेकिन शंकर जी को बताए वो केवल मुझे अपमान करने के लिए यज्ञ कर रहा है, हैं। इसलिए शंकर जी ने बोला, देखो सती, हमारे पास में कोई निमंत्रण कार्ड नहीं आया। सती ने बोले, देखो प्रभु जी, ऐसे कुछ स्थान है जहाँ बगैर निमंत्रण के जा सकते हैं। पहला नंबर ठाकुर का दरबार, ठाकुर का दरबार में कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं है, और गुरु जी के घर में, जैसे गुरु जी के घर में कोई शिष्य जाए, कोई जरूरत नहीं, गुरु जी हमें निमंत्रण दे और फिर हम जाए, हाँ गुरु जी के पास में कभी भी हम जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। और कभी जो पिताजी की जो घर है वह निमंत्रण की जरूरत नहीं, इसलिए बगैर निमंत्रण के हम जा सकते हैं, वो तो हमारे पिता है ना। तब शंकर जी को पता है ये मेरे को अपमान करने के लिए निमंत्रण नहीं दिया। बोले सती, मैं तो जा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में कोई निमंत्रण कार्ड नहीं आया। और सती की मन में इतने उतावल आ गया, शंकर जी कभी सती बाहर जाती है, कभी अंदर में जाती हैं, कभी शंकर जी को चाहते शंकर जी मेरे को थोड़ा आदेश दे दे, लेकिन शंकर किसी तरह से आदेश नहीं दिया। जब नहीं दिए, इतने में सती को सहन नहीं हुआ, क्योंकि उनको जब देख रहे थे एक एक करके बहनी जा रहे हैं, दामाद जा रहे हैं, इतने उतावला हो गई, बाज भीतर बाहर होते करते करते बोले मैं तो जा रही हूँ,
वो चल पड़ी। जब चल पड़ी इतने में शंकर जी को पता ही वापस नहीं आई, इसलिए नंदी को बोले दा माता जी को पहुंचा करके आ जाओ, और उसका कंघी और उसका आईना उसके अलंकार कपड़ा लत्ता ले जाओ, क्योंकि वो आने वाले नहीं है, हैं आने वाले नहीं। देखो यहाँ पर एक शिक्षा है, माता पार्वती कौन है? जगदम्बा जगत जननी है। दुनिया जिनको फॉलो करती है, लेकिन नियम क्या है? पति के आदेश के बगैर पत्नियों को कभी भी अपना पीहर नहीं जानी चाहिए, पहले पति का आदेश ले करके जानी चाहिए। लेकिन इन्होंने तो आदेश लिया ही नहीं, अपनी मनमानी चल पड़ी, पर सारा दुनिया भी यही करेगी हैं। जब सती ने आदेश नहीं लिया पति का, हम भी बिना पति के आदेश से अपना पीहर हम जा सकते हैं। तब उन्होंने ऐसे क्यों किया, इसका कारण बताए। बोले जिस समय रावण ने माता सीता को चोरी करके ले गया, उसी समय में भगवान राम और लक्ष्मण हा सीते कर कर लता पता वृक्षों को प्रश्न कर रहे थे, मेरे सीते को कहीं देखे हो। इतने में शंकर जी सती को लेकर के आए थे श्री ऋषि को पास में, वशिष्ठ ऋषि को पास में हैं, कथा सुनने के लिए आए थे। कथा सुन करके भी जा रहे थे, इतने में देखा रावण ने सीता को उठा करके ले गया, और राम सीता हा सीते बोल करके लता पता वृक्षों को पूछ रहे थे, मैंने सीते को कहीं देखे हो। इतने में शंकर जी तो प्रभु जी की लीला देख करके बोले, प्रभु जी का बड़े विचित्र लीला है, इसलिए इनकी लीला में कोई व्याघात नहीं हो, उनने दूर से परिक्रमा कर रहे थे। इतने में सती की मन में शंका आ गई, बोले ये किसको परिक्रमा कर रहे हैं है? कल प्रभु मेरे को जो आप परात पर परम ब्रह्म जो घटघटवासी राम की कथा सुनाते हो, ये क्या वही राम ना साधारण कोई जीव है? अरे मेरे को तो पता है रावण जिसको उठा करके लेकर गया वो तो नकली सीता, वो तो असली सीता है ही नहीं। अगर मेरे को ये बात पता, अभी वो अशोक वाटिका में अगर ये परम ब्रह्म होते क्या पता नहीं उनको होता। इतने में शंकर जी ने देखा, अभी गुरु जी की वाक्य में इसका विश्वास नहीं, बोले तुम परीक्षा कर लो। उसने परीक्षा उसने की, सीता का रूप धारण करते हुए परीक्षा की। अब बाद में भगवान राम पहचान गए, इसलिए फिर आकर के शंकर जी को उन्होंने झूठ बोल दिए, बोले प्रभु आप जो बोले थोड़ी झूठ हो सकता है, वो सच ही है। शंकर जी ध्यान सवे कौन सा रूप में उसने परीक्षा किया, देखा ये परीक्षा मेरी माता श्री सीता जी की रूप धारण करते हुए, इसलिए शंकर जी सीता जी को त्याग दिया मन से। इसलिए बड़ी दुखी थी, तब से कथा नहीं सुना रहे थे शंकर जी, बाम पार्श्व में नहीं बैठाती है, सामने बैठाते हैं, गुरु का स्थान देते। बोले क्यों? उनने सीता का रूप धारण किया था, माँ के रूप धारण की, इसलिए सती सोच रही थी कोई मौका मिले और ये शरीर में त्याग दे दूं। बोले क्यों? बोले जब तक ये शरीर रहेगा मेरे को शंकर जी पत्नी रूप में ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए उनने चले गए, जा करके देखा सभी का यज्ञ भाग, केवल शंकर जी का नहीं, वहीं पर बोले जब तक ये शरीर रहेगा दुनिया क्या बोलेंगे मैं किसकी बेटी हूँ, बोले दक्ष प्रजापति की बेटी हूँ, जिसने शंकर जी का अपमान जो करने वाले, इसलिए जिनके प्रिय ना राम वैदेही तजिय कोटि वैरी समझ यद्यपि परम स्नेह। यहाँ शिक्षा देते हैं, भले ही परम स्नेह की पात्र क्यों नहीं हो, जिनका प्रिय राम और सीता नहीं उनको करोड़ सत्र मान करके त्याग देनी चाहिए हैं। उन्होंने वहीं पर बैठ करके योगाग्नि से अपना शरीर को त्याग दे दी। इतने में शंकर जी के भक्त लोगों को क्रोध आया, इतने में भृगु ऋषि ने क्या किया, ऋघु नामक व्यक्तियों को प्रकट करके शंकर जी के जितने चर थे ना मार मार कर भगा दी, और उन लोगों ने जाकर के शंकर जी की शिकायत की, माता सती ने आपका यज्ञ भाग नहीं देख करके शरीर त्याग दी। शंकर जी को बड़ा क्रोध आया, उठाया जटा और नीचे पटक दिया, तो वहां से वीरभद्र प्रकट हुआ। बोले क्या आदेश है? बोले जाओ ये यज्ञ को तसनस कर दो। वीरभद्र आए, वहां पर जितने थे जब शंकर जी के अपमान हो रहे थे ऐसे ऐसे भाई आग दी हिला रहे थे, बहुत बढ़िया हो रहा है, तथा उनको आँख निकाल लिए, कुछ ऐसे दाढ़ी हिला रहे थे, बढ़िया मजा आ रहा है, फिर उनका दाढ़ी उखाड़ लिए, कुछ उन लोग उसमें हंस रहे थे, शंकर जी दांत तोड़ दिए उनकी हैं, कोई ऐसे ऐसे मोच हिला रहे थे मोच उखाड़ दिए,
किसका तो प्यार तोड़े, किसका हाथ तोड़े, ब्रह्मा जी पहले से पता था आए नहीं, सबको ऐसे उनको है ऐसे उनको स्थिति कर दी ना, सबका अवस्था खराब कर दिया। यहाँ शिक्षा देते हैं, हाँ यह शिक्षा देते हैं, अगर कहीं महान व्यक्ति की वैष्णव का अगर निंदा चर्चा हो, अपमान हो ना, कहते कभी भी उसमें सम्मिलन मत हो, कभी भी उसमें हाँ चलो ये वैष्णव के अपमान हम भी साथ देते हैं, बोले भैया कभी इसमें साथ मत दो, नहीं तो हाथ प्यार नाक सब तुम्हारा टूटेगा हैं, जितने बड़े क्यों नहीं हो। भृगुरी जी ऐसे व्यक्ति हाँ उनकी अवस्था खराब कर दी, इसलिए कभी भी वैष्णव की अपमान में, वैष्णव के अनादर में हाँ में कभी हाँ नहीं मिलानी चाहिए, नहीं तो हाथ प्यार टूटेगा, आँख फाक सब जाएगी तुम्हारी हैं। यहाँ ये चीज को शिक्षा देते हैं। फिर उन्होंने दक्ष प्रजापति का सर काट करके यज्ञ में स्वाहा कर दिया। इतने में ब्रह्मा जी को पास में जा करके बोले ऐसे ऐसे हो गया। फिर ब्रह्मा जी शंकर जी को पास में गए, शंकर जी को फिर प्रसन्न किया। शंकर जी बड़े दयालु बड़े कृपालु संत हैं, इनका हृदय बड़े कोमल हृदय हैं। फिर शंकर जी आकर के बोले जिनका एक काम करो, जिनका सर दक्षिण दिशा में होगा उसका सर काट कर ले आओ हैं। फिर उन्होंने जब गए देखा एक बकरी स्वयं हुआ था हो रहा था, उसका सर को काट करके लाए और दक्षा प्रजापति के सर में लगा दिए। फिर दक्षा प्रजापति शंकर जी से क्षमा प्रार्थना मांगी और उन्होंने फिर दोबारा यज्ञों को उन्होंने पूर्ण करके शंकर जी यज्ञों को पूरी किया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री भोले बाबा की, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरी हरी बोल। अभी कभी ये षष्ठ स्कंध में कथा आती है, अजामिल की कथा है, हैं? इसका जो जो षष्ठ स्कंध की जो कथा है उसका नाम कहते पोषण। पोषण मतलब क्या होता है? दूसरों को पोषण करना। कहते पोषण हमें जीवन में कौन करता है? भगवान के नाम। बड़े से बड़े अपराध क्यों नहीं हो, बड़े से बड़े पाप क्यों नहीं हो, अगर कोई भगवान का नाम को अगर आश्रय ग्रहण करता है, कभी भगवान का नाम में इतने शक्ति है, कभी ये सारे हमारी अपराध को दूर करके भगवत प्रेम को देने वाले कौन है? भगवान का नाम है। इसलिए बोले कली जोग के बलना माधारा, कली जोग के बलना माधारा, कली जोग के बलना माधारा, कली जोग के बलना सुमेरे नारायण राही पारा, सुमेरे नारायण राही पारा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण सब पीछे पीछे बोलो जोर जोर, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, निताई गौरांग जय निताई गौरांग,
ताई गौरांग जय हरि ताई गौरांग जय सचिनंदन जय गौरहरी जय सचिनंदन जय गौरहरी हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोलो बोलो हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल वृंदावन में सेवा कुंज में बोल कान गली में बोल कान गली में बोल कुंज गली में बोल बरसाने गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा। देखो अभी आज भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले हैं, फिर और कुछ दिन बाद में ना कुछ दिन बाद फिर और एक कथा हुई भागवत कथा फिर होगा, उसमें फिर हम क्या करेंगे जो कथा को जो शॉर्टकट में कुछ कुछ कथा बोल देते हैं फिर उसी समय में वो सारी कथा को विस्तार रूप में सुनेंगे, ठीक है। इसलिए जो षष्ठ स्कंद में जो उसमें अजामिल की कथा आती है, कभी अजामिल ने श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को महाराज को बोले देखो अगर कोई पाप कर्म करता है और शास्त्र में बताया कि प्रायश्चित मतलब है अगर हमसे ये पाप कर्म हो गया फिर ऐसे दान करो ऐसे पुण्य करो उसके लिए प्रायश्चित भी शास्त्र में ये पुण्य कर्म करो तो वो पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएगी, इसलिए अगर कोई पाप कर्म हो गया तो उसको प्रायश्चित कर लो फिर तुमको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन परीक्षित महाराज इससे खुश नहीं हुए, बोले क्यों, बोले प्रायश्चित कैसे हैं, उदाहरण दिया ये कुंजर शौचवत और वेणु गुल्मवत। कुंजर शौच मतलब होता है एक हाथी को आप तालाब में लेकर के अच्छे तरह से मलमल करके उसको स्नान करा दो, लेकिन हाथी का एक स्वभाव है जब फिर पानी से निकलेगा ना सबसे पहले देखेगा धूल कहाँ पर है, अगर धूल नहीं होगा तो वो प्यार से रोंद करके फिर धूल बनाएगा और सूंड में लेकर फर करके सारा शरीर में लगाएगा उसको बाद में फिर जाएगा। इसका मतलब क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं घी में चर्बी मिला देते हैं और चावल में कंकड़ मिला देंगे है, नहीं तो दाल में कंकड़ मिला देंगे और उल्टा पुल्टा मसाला में हैं मसाला में उल्टा पुल्टा गंदी चीज मिला देंगे और बेच बाच देंगे और क्या करेंगे दूसरे दिन जा करके कुछ कबूतर को खिला करके आ जाएंगे हैं, नहीं तो तीर्थ यात्रा में पड़ जाओ मित्र। इसलिए कोई तीर्थ यात्रा में जाएंगे जो दुखी दरिद्र बैठे हुए होंगे ना उनको कुछ दान दक्षिणा एक एक रुपया देकर चले आएंगे, बल्कि पाप कर्म किया है
इसलिए फिर पुण्य थोड़ी कर्म कर देंगे, फिर क्या करेंगे दूसरे दिन फिर वही पाप कर्म करेंगे। जैसे हाथी को जैसे स्नान कराओ, फिर थोड़ी देर बाद में जैसे को तैसे है, कभी जो प्रायश्चित है ठीक है। इसे दूसरा उदाहरण दिया बेणुगुल्म मतलब होता है जैसे बांस का झाड़ी, बांस का पेड़ को काट देते हैं, काट करके उसमें आग लगा देते हैं, उसमें पड़ा हुआ होता है पत्ते पत्ते, वो ऊपर ऊपर से जल जाता है। ऊपर से क्या लगा, जैसे बांस का झाड़ी को काट दिया। लेकिन जब फिर श्रावण का महीना आएगी, फिर बारिश होगा ना, फिर दोबारा वहाँ से फिर पहले जितना था उससे ज़्यादा जंगल निकलेगा। ठीक उसी तरह जो प्राय स्थिति है, हम अयोध्या मथुरा माया काशी कांची केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री सारे धाम को घूम काम करके आ गए। बोले यार हम तो साधुओं का बाप बन गया, सारे तीर्थ मैंने घूम गया, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा सब स्नान करके आ गए। बोले तुम कहीं नहीं गए, घर में बैठे हो, ऊपर ऊपर तीर्थ तो घूम गया, लेकिन सारे तीर्थ करके हमारे उड़ीसा में क्या करते हैं, एक महीना तक क्या करेंगे, व्रत रखेंगे, बूढ़ो पकाएंगे एक महीना तक। फिर उसके बाद में एक महीना जब खत्म हो जाएगी ना, बोले भैया इतना दिन से मुर्गा नहीं खाए, इसलिए 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा बाद में फिर मुर्गा मुर्गा, इसलिए इतना दिन तक मांस मछली नहीं खाए, मुँह अच्छा नहीं लग रहा है, ले आओ जी बढ़िया करके मुर्गा ले आओ और मांस ले आओ, बढ़िया शराब लाओ आज उत्सव मनाएंगे। कभी जो प्रायश्चित है ठीक है सही है इसलिए। लेकिन तब परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, ऐसे क्या उपाय किया है जो हृदय से पाप करने का जो वृत्ति खत्म हो जाए, ऐसे कोई उपाय है? बोले हाँ ऐसे भी एक उपाय है। बोले उसको बात बताओ ना। बोले केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अग्नौ धुन्नति कृष्णेन निहार इव भास्कर। बोले ऐसे क्या है? बोले केवल केवल या भक्त्या, जो भगवान को भक्ति करते हैं प्रेम करते हैं भगवान का नाम का आश्रय ग्रहण करते हैं, ये भक्ति और भगवान का नाम ऐसे की चीज है। उदाहरण दिया है जैसे सूरज उदय होने पर हैं, सूरज उदय होने पर, अभी सूरज उदय नहीं हुआ है, उदय होने वाले हैं, देखना आकाश पूरा साफ हो जाता है ना, और अगर अंधकार केवल उसका किरण से अभी निकला नहीं, लेकिन जब सूरज उदय हो जाए ना, चारों तरफ में एकदम आलोक आलोक हो जाता है। कहते उसी तरह जो केचित केवल या भक्तिया, जो भगवान की भक्ति भगवान का नाम ही ऐसे की चीज है, वो क्या करता है सारे पाप को धूल कर धुला करके हृदय में भगवत प्रेम को जागृत कर देते हैं। फिर उन्होंने बोले तुमको एक कथा सुनाता हूँ। फिर उन्होंने किसकी कथा सुनाई? अजामिल का कथा सुनाई। अजामिल कितना पापी था, जिसने हैं अपना पत्नी को त्याग दिया, शूद्राणी को साथ में रहा, उसका हाथ में अमेध कुमेध भोजन किया और 10-10 बच्चे हुए, पत्नी को त्याग दिया, 10-10 बच्चे हुए, उनको लालन पालन करने के लिए सारे पाप किया। लेकिन जब जमदूत उसको लेने के लिए आए, इतने में अपना बेटे को दूर से देख करके उसने केवल उन्होंने नारायण बस केवल उन्हें 4 ही अक्षर उच्चारण किया ना, झट 4 विष्णुदूत आ गए। एक तरफ पे 3 जमदूत आए थे, दोनों में घमासान लड़ाई हुई और विष्णुदूतों ने सारे जमदूत को मार मार कर भगा दिया और उनका रक्षा किए। फिर हरिद्वार में गए और फिर भजन किया तो वैकुंठ से फिर विष्णुदूत आकर उनको भगवत लोक में ले गए। कहते अपना बेटे को नारायण नाम से पुकार करके, बेटे को भगवान को नहीं, और अपवित्र अवस्था में टाटी पेशाब कर रहा था हैं, और उसने चित्कार करते हुए स्थिर बुद्धि नहीं अस्थिर बुद्धि से उन्होंने भगवान को बुलाया तो उसको सदगति होगी। इसलिए भगवान का नाम में बड़ी शक्ति है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते क्या करो, भगवान की भक्ति के आश्रय ग्रहण करो और भगवान का नाम का आश्रय ग्रहण करो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ पूजा जी बोलिए।
আজকে সাতটার সময় আরতি করবে, ঠিক আছে? আজকে দেরিতে কথা হয়েছে না, ঠিক ইয়ে করবে। এসলে কিন্তু উসকো বাদ মে ফির ইয়ে সপ্তম স্কন্ধে মে কিসকি কথা? প্রহ্লাদ মহারাজ কি কথা আতা হে, জো কথা কো আপ সব জানতে হো। ये प्रह्लाद महाराज जी जो कथा है, सप्तम स्कंध का जो लक्षण है, इसका नाम उत्ति। उत्ति मतलब अर्थ होता है कर्म वासना है। इसलिए कर्म वासना दो तरह का कर्म वासना, एक अच्छा और एक बुरा है, है? इसलिए सप्तम स्कंध में कहते अच्छी भावना कब आता है? जब किसी साधु का कृपा हो जाए। इसलिए बोले महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नहाय कहे। इसलिए जब तब किसी कृष्ण रसभाविता मति क्रियताम उत्तपि यदि लभ्यते, अगर जीवन में कृष्ण रस में जो विभाविता जो मति अगर कहीं भी ऐसे साधु अगर मिल जाए तो अपना सारा अगर दे करके ऐसे संगत को खरीद करना पड़े तो खरीद कर लो, हैं? इसलिए केवल संतों कृपा से ही हृदय में अच्छी भावना आती है। और हृदय में दुर्भावना कब आती है? जब कोई संत और साधु हमारे ऊपर बिगड़ जाए, है? साधु जब नाराज हो जाए। इसलिए सप्तम स्कंध में ये दिखाए, इसलिए जिसमें दो उसमें दो हीरो हुए हैं, एक प्रह्लाद महाराज और एक हिरण्यकशिपु, हैं? एक प्रह्लाद, इनका नाम क्या है? प्रह्लाद। प्रह्लाद मतलब क्या है? प्र मतलब होता है प्रकृष्ट रूप में, पूर्ण रूप में। लाद मतलब होता है आनंद, जो हर समय आनंद रहता है। भाई भैया जीवन में आनंद कब रहोगे? अगर किसी साधु का कृपा हो जाए, हैं? दूसरा हीरो का नाम क्या है? पाठक का नाम हिरण्यकशिपु, हैं? हिरण्यकशिपु। कहते हिरण्यकशिपु मतलब क्या? बोले हिरण्य मतलब होता है सुवर्ण, कशिपु मतलब होता है बिस्तरा, जिनकी सोने की जिसकी बिस्तरा है। मतलब क्या? सोने में जितने पाप का अवस्थान है, कली को उन्होंने चार जगह स्थान दिया था, लेकिन जब खुश नहीं हुआ सुवर्ण में स्थान दिया है। इसलिए जहाँ पर जितने सारे गंदा काम होता है, जहाँ पर ज्यादा पैसा है, पाप का स्थान है। इसलिए जिसकी हिरणाख्य, हिरणाख्य मतलब हिरण्य मतलब सुवर्ण, अख्य मतलब आँखें, जिसकी आँख केवल पैसा का भोग भोग, केवल भोग भोग। कहते ये हृदय में दुर्बुद्धि कब सृष्टि होता है? मतलब जब कोई साधु हमारे ऊपर बिगड़ जाए, साधु नाराज हो जाए। इसलिए इसमें यही चीज दिखाया। इसलिए हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप क्यों बने? बोले जिस समय एक समय वैकुंठ से भगवान के चरण तुलसी और चंदन का सुगंध ही वैकुंठ से बहते हुए ब्रह्मलोक में गए, और ब्रह्मलोक में चतुसन पहले ब्रह्मज्ञानी थे, इनके नासिका विवार में प्रवेश किया तो उन्माद हो गए। बोले पिताजी इतने सुंदर सुगंध कहाँ से आ रहे हैं? बोले बच्चों ठाकुर की चरण तुलसी की सुगंध। बोले पिताजी वो कितने सुगंध नहीं होंगे? बोले बेटा बड़े सुंदर, जा देख करके आओ। उन्होंने छह दरवाजा पार हो गए, सात दरवाजा में दर्शन होता है पार करने बाद। वहीं पर जय भी जय खड़े थे और जाने अंदर में नहीं दिए, और जाने नहीं दिए तो इतने में उन्होंने क्या किए? बोले कहाँ जा रहे हो? नंगे धड़ंगे बिना पूछे, पता नहीं लक्ष्मी नारायण ने किसी स्थिति में उनको छड़ी दे करके रास्ता रोक लिए तो क्रोध आया। बोले हम जैसे ब्रह्मज्ञानियों के लिए पूछने का जरूरत? ये वैकुंठ लोग है जहाँ पर काम क्रोध लोभ मोह जहाँ पर कुछ है नहीं, और तुम हमारे रास्ता बंद करके अभिशाप देता हूँ, जाओ तुम राक्षस जन्म में चले जाओ। इसलिए भगवान जब आए बोले ठाकुर जी ऐसे ऐसे हो गए। बोले देखो अगर तुम मेरे भक्त बन करके जाओगे ना, तुम फिर सात जन्मों के बाद में आओगे, अगर मेरे शत्रु बन करके जाओगे तीन जन्मों के बाद में आओगे, बताओ क्या करोगे? बोले प्रभु हम तो जल्दी जल्दी आना चाहते हैं। इसलिए यही पहले हिरण्यकशिपु सत्ययुग में बने, त्रेता युग में क्या बने बोलो? रावण और कुंभकर्ण बने, और द्वापर युग में शिशुपाल और दंत बकर बन करके आए, हैं? कहते प्रह्लाद कैसे हुए? प्रकृष्ट रूप में लाद कैसे, आनंद कैसे मिले? बोले जिस समय ये हिरण्यकशिपु तपस्या में चला गया, और इतने में इंद्र आकर के उसकी पत्नी कयाधु को ले जा रहा था पकड़ करके, नारद बीच में आ गए। बोले क्या कर रहे हो? बोले मेरे में कोई दुर्बुद्धि नहीं, एक इसका पिता दुनिया में टहलका मचा रहा है, अगर इसका एक बेटा हो गया ना फिर तो हमें तो भगा देगा स्वर्ग से, इसलिए हमारी मन में दुर्बुद्धि नहीं, इसकी गर्भ में बच्चा
बच्चा जन्म होगा तो मार करके उसकी माँ को छोड़ दूंगा। बोले तेरे को पता है इसके गर्भ में कौन है? भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त श्री प्रह्लाद महाराज है। बोले श्री भक्त श्रेष्ठ प्रह्लाद महाराज की। फिर नारद जी उसका अपना आश्रम में लेकर गए और वहीं पर 60,000 वर्ष वहीं पर रहे हैं, जब तक इनकी गर्भ से बच्चे जन्म नहीं हुए। इसलिए जब तक हिरण्यकश्यप ने तपस्या की, इसलिए इनकी कृपा से, इसलिए नारद जी कृपा से जो हरि कथा सुने हैं, इसलिए एक दिन अगर साधु संग मिल जाए ना, एक दिन नहीं एक मुहूर्त अगर जीवन में साधु संग मिल जाए, जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन जो 60,000 साल गर्भ में बैठ बैठ करके भगवान की कथा सुने, फिर वो कितने सौभाग्यवान नहीं होगा। इसलिए साधु कृपा से ही ये प्रह्लाद बने हैं, प्रह्लाद बने। इसलिए आप लोग कथा जानते हैं, फिर दूसरी जो कथा में होगी ना, फिर अच्छे तरह से सुनेंगे इनकी कथाओं को। फिर कैसे उन्होंने बड़े हिरण्यकश्यप बड़े उत्पात मचाया, प्रह्लाद महाराज बड़े भक्त बना, उसको मारने के लिए कोशिश किया, लेकिन भगवान हर विपद में जाके राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगत बैर हुई। इसलिए हिरण्यकश्यप पूछा, बताओ तेरे भगवान कहाँ है? बोले पिताजी बताओ मेरे भगवान कहाँ नहीं है तो बताओ। बोले खंभे में क्या है? बोले मेरे को तो दिख रहा है भगवान बैठ कर मुस्कुरा रहे। बोले पहले तेरे भगवान को दिखाऊंगा, फिर तेरे को दिखाऊंगा। और उसमें मुष्टि का घात मारे तो साक्षात भगवान श्री नरसिंह देव खंभे फाल करके प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की। अरे जोर से बोलो। बोले श्री प्रह्लाद महाराज की। इसलिए भगवान प्रकट होकर के उन्होंने हिरण्यकश्यप को जब दहलिक में लेकर के मारना चाह रहे थे, बोले मेरे को मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा जी का बहुत सारे वरदान। बोले बताओ क्या किया? बोले दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा। बोले आकाश में देखो ये शाम का समय। बोले तभी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले घर में नहीं मरूंगा, बाहर नहीं मरूंगा। मारोगे कैसे? बोले दहली के ऊपर में। बोले तब भी नहीं मार सकते। क्यों? बोले ब्रह्मा जी का किसी श्रेष्ठ प्राणी को हाथ में नहीं मरूंगा। बोले अच्छे तरह से देख, ब्रह्मा जी का मैं बाप हूँ। हैं? बोले किसी महीना में नहीं मार सकते हो। बोले अच्छे तरह से देख, ये अधिक महीना मल मास है। बोले किसी अस्त्र शस्त्र से मार नहीं सकते हो। बोले अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं, मेरा नाखून को देख। और देखते देखते उन्होंने अपना हृदय को विदीर्ण कर दिया। हैं? विदीर्ण क्यों कर दिए? पर जिस हृदय में मुझे बैठाना चाहिए था और मेरे को नहीं बैठा करके तुमने काम क्रोध ईर्ष्या को बैठाए, इसलिए उन्हें विदीर्ण कर दिया। विदीर्ण करके उनको सिंहासन में बैठ गए। सारे देवता कांप रहे थे। प्रह्लाद महाराज जब आए, उनका क्रोध शांत हो गया और बोले प्रह्लाद मेरे से भर मांगो। बोले प्रभु जी अगर वर देना चाहते हो मेरे पिताजी का नरक में मत भेजा करो, अपना चरण में स्थान दो। बोले प्रह्लाद तेरे पिताजी का बात क्या करते हो? बोले त्रिसप्त भी पिता पुत्र एक वंश में अगर एक वैष्णव हुआ तो उसकी 3, 7, 21 पीढ़ी उसकी उधार हो जाते हैं। इसलिए बोले और क्या चाहते हो? बोले एक काम करो, ये ब्रह्मांड में जितने जीव है सबका पाप मेरे को दे दो, मैं करोड़ों काल के लिए मैं नरक भोग करूं, लेकिन ये जीवों को आपका चरण में भक्ति दे दो। बोले प्रह्लाद अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है, एक ब्रह्मांड का मेरे अनंत ब्रह्मांड है, तेरी इच्छा से एक ब्रह्मांड को मैं उधार कर दूंगा, चिंता मत करो, तेरे को पाप लेने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए उन्होंने प्रह्लाद को अपना भक्ति प्रेम प्रदान की। प्रह्लाद महाराज नरसिंह देव का आरती उतारे, आरती उतारने पर भगवान प्रसन्न होकर के फिर अपना धाम में चले गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की। बोले श्री प्रह्लाद महाराज की। अभी आज भगवान कृष्ण जन्म ग्रहण करेंगे, अभी कृष्ण जन्म की कथा थोड़ी सुन लेते हैं। कहते श्री ब्रह्मा जी की संतान कश्यप जी हुए। कहते कश्यप जी उसी वंश में धीरे 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 एक राजा हुए जिनका नाम था श्री श्राद्ध देव मन में एक हुए हैं। कहते श्राद्ध देव, कहते उनको घर में कोई संतान नहीं था, इसलिए तब उन्होंने वशिष्ठ को द्वारा उन्होंने यज्ञ करवाए। लेकिन घर में पत्नी की इच्छा है घर में एक बेटी हो, लेकिन राजा की इच्छा घर में एक बेटा हो, क्योंकि जो राजा शासन करे। और पत्रानी की इच्छा अगर बेटी होगी तो माँ को मदद करेगी। और उसने क्या बोल दिया है?
जो यज्ञ कर रहे थे, बोले देखो अगर बेटी जन्म होगी ना, मुंह मांगी तो दक्षिणा मिलेगी, लेकिन बेटा होगा तो भैया मैं कुछ दक्षिणा नहीं दूंगी। ब्राह्मण बोले भैया बढ़िया, दक्षिणा से मतलब है, है? इसलिए उन्होंने बोले मंत्र को थोड़ा हेर फेर करना है ना, बेटा का मंत्र पढ़ते बेटी का मंत्र पढ़ देंगे। उन्होंने बेटी का मंत्र पढ़ करके उन्होंने बनाया, उन्होंने बनाया खीर, बनाए औषधि, बनाए और पत्नी को खिलाया तो बड़ी सुंदर एला नाम के एक सुंदरी बेटी जन्म ग्रहण की। इतने में राजा ने वशिष्ठ के पास में गए, बोले गुरु जी मैंने कहा था कि बेटा हो, ये बेटी कैसे हो गई? फिर उन्होंने होताओं को बुलाया, बोले होताओं गोता कैसे लगा लिया, ये बेटा नहीं हो, बेटी कैसे हुई? बोले इसमें हमारी कोई दोष नहीं, इनके घर में एक मत नहीं है, हैं? बोले वशिष्ठ जी ने कहा देखो घर में बेटी आए ना, सारा दुनिया कहते घर में लक्ष्मी आई है, और बेटी आई तो घर में लक्ष्मी की कृपा बड़ी होती है। बोले नहीं हमें तो बेटा चाहिए। तब उन्होंने एला को उन्होंने सुदुम्न बना दिया, ऐसे शक्ति थी मंत्र शक्ति, बेटी को उन्होंने बेटा बना दिया। आश्चर्य बात है, जब बड़े हुए एक दिन उन्होंने गए थे जंगल में सन्या सामंत को लेकर के, और था शंकर जी का जंगल था, शंकर जी रहते थे, इसलिए शंकर जी का अभिशाप था इसमें कोई पुरुष आएगा तो स्त्री बन जाएंगी। जंगल में गए तो सन्या सामंत को साथ में जितने घोड़े सब घोड़ी हो गए, जितने सन्नी के सब लड़की, और जो था सुदुम्न था हो गया फिर लड़की राजकुमारी। राजा को पता चला तो फिर वशिष्ठ को बोले वशिष्ठ, फिर शंकर जी को प्रार्थना किया। शंकर जी बोले एक काम कर सकता हूँ, एक महीना बेटा एक महीना बेटी होगा, मैं इतना कर सकता, बोले इतना कर दो। इसलिए जिस समय उन्होंने बेटी, जिस समय उन्होंने बेटी थे बेटी थी उसी समय में उन्होंने बुध को साथ में शादी हुई, शादी हुई तो उससे जो संतान हुए हैं उससे चंद्रवंश आया, चंद्रवंश से भगवान स्वयं राम आए। लेकिन जब बेटा था तब उनकी शादी हुई, शादी हुई तो उसी समय जो संतान जन्म लिए उसी परंपरा से ये चंद्रवंश चला, और चंद्रवंश में भगवान स्वयं कृष्ण चंद्र आए। मतलब एक व्यक्ति से दो वंश, एक चंद्रवंश और एक सूर्य वंश, और इसी वंश में हमारी जो सर्वश्रेष्ठ जो देवता एक भगवान राम और एक भगवान कन्हैया, ये दोनों भगवान एक व्यक्ति से ही आए, ये एक अद्भुत ये एक परंपरा है। इसलिए आज भगवान कृष्ण की कथा सुनेंगे। जिस समय कृष्ण कथा श्री सुखदेव गोस्वामी कृष्ण कथा सुनाने जा रहे थे, इतने में उनके हृदय में सारे जैसे टीवी में सीरियल आती है ना, ऐसे इनके हृदय में बड़े सुंदर कृष्ण के सीरियल आने लग गया, बड़े सुंदर। और उन्हें क्या किए, उन्होंने एक श्लोक ऐसे एक श्लोक बोले जो एक श्लोक में पूरी कृष्ण कथा सुना दी। कृष्ण कैसे मथुरा में प्रकट हुए, गोकुल में कैसे कृष्ण जन्म हुए, कैसे पुतना अघासुर बकासुर को मारे, कैसे रास रचाए, कैसे कंस को मारे, कैसे उन्होंने चारण मुष्टि को बंद किया, कैसे उन्होंने शिशुपाल दंत बकर को बंद किया, कैसे उन्होंने रास रचा करके, कैसे उन्हें ऋषि मुनियों कैसे द्वारका में गए, 16108 पटरानियों से शादी किया, एक एक पत्नी से 10-10 बेटे एक एक बेटी हुई, ऋषि मुनियों का अभिशाप को ग्रहण किया, और करते हुए उन्होंने भास प्रभास क्षेत्र में अंतिम लीला का आविष्कार करके फिर अपना धाम में चले गए। इतना बोल करके उन्होंने बोले बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बस बोल कर चुप हो गए। परीक्षित बोले क्या कृष्ण कथा हो गया, पूरी बोल दिया ना, पूरी तो कृष्ण कथा बोल दिया। बोले मैं तो चार दिन से बैठा हुआ हूँ केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए, क्योंकि कृष्ण मेरे कुलदेवता है, हाँ मातृगर्भ में उत्तरा गर्भ में रहते समय कृष्ण ही मेरे को बचाया अस्वस्थमा का ब्रह्मास्त्र से, इसलिए मैं तो कृष्ण कथा सुनने के लिए टकटकी लगा कर बैठा हुआ हूँ। जैसे अगस्त ऋषि ने एक चूल भर में संपूर्ण समुद्र पानी को उन्होंने पान कर लिया, अब तो एक श्लोक बोलकर पूरा कृष्ण कथा सुना दिए, मेरे को तृप्त नहीं मिला, तृप्ति नहीं मिली मेरे को, तो कृष्ण कथा विस्तृत रूप में सुनाओ। फिर उन्होंने विस्तृत रूप में उन्होंने कृष्ण कथा सुनाई, हैं? इसलिए बोले जो 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 कृष्ण कथा है बड़ा मीठा है, बड़ा मीठा कृष्ण कथा है। इसलिए जैसे तीन गंगा है, कहते एक गंगा स्वर्ग में जिसका नाम मंदाकिनी स्वर्ग लोगों को कल्याण करती है, दूसरी गंगा ये मर्त्य जगत में जिसका नाम भागीरथी, तीसरी गंगा
पाताल लोक में जिसका नाम भोगवती, जैसे ये तीन गंगा तीन लोगों को कल्याण करती हैं, उसी तरह जो कृष्ण कथा भी तीन लोगों को कल्याण करती हैं, सुनने वाले, बोलने वाले और प्रश्न करने वाले। और कृष्ण कथा में इतने रस है, बोले निवृत तसई रूपगीय मानात भव औषद छत्र मनोभिरामात कहा उत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरज्यते बिना पशुघ्नात। इसलिए भगवान कथा बड़ा मीठा कृष्ण कथा है। कहते बड़े बड़े आत्मा में रमण करने वाले सुखदेव गोस्वामी, चतुसन जैसे, शंकर जैसे व्यक्तियों को भी जो कृष्ण भक्ति रस में जो डुबो देती हैं। और भव सागर से कोई पार होना चाहते हैं, सबसे मीठी दवा किया बल भगवान की कथा है। इसलिए उन्होंने कथा सुनाए, कैसे कंस ने अपना बहन श्री देवकी को कैसे उन्होंने कैसे शादी दिए, और बहुत कुछ उन्होंने दहेज रूप में दे करके स्वयं सारथी बनकर के विदाई कर दे रहे थे। बीच में आकाश वाणी हुई, बोले रे मूढ़ कंस, जिस देवकी को तुम इतने आनंद पूर्वक विदाई दे रहे हो, इसकी अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा। कंस ने देखा देवता वाणी कभी झूठी नहीं होगी, इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तलवार म्यान से निकला, देवकी की चोटी पकड़ करके जब मारने जा रहा था, इतने में वसुदेव ने देखा ये देववाणी कभी झूठी नहीं होगी। उनने साम दाम दंड भेद रीति से समझा बुझा करके बोले देखो इसका जितने बच्चे होंगे मैं तेरे को सबको दे दूंगा, लेकिन देवकी को मत मारा करो। अभी उनकी बात से विश्वास होकर छोड़ दिया। इनका जो पहला संतान हुआ कीर्तिमान हुआ, उनने कंस को दे दिया, हृदय पिघल गया। बोले अपना बेटे को काल को हाथ में, बोले जाओ मैं संतुष्ट हूँ तेरे ऊपर, मैं बच्चे को ले जाओ, अष्टम गर्भ का संतान से मेरा मतलब है। नारद जी ने देखा भगवान कब आएंगे, जब पाप की घड़ा भर जाएगी, लेकिन इसके हृदय में तो दया की भावना आ जाएगी, वो तो भगवान आने में देर लगा देंगे। इतने में नारद जी आकर के उनने आठ पंखुड़ी जिस कमल फूल में था लेकर के आए। बोले कंस जी बताओ इसमें पहला नंबर कौन, आठवां नंबर कौन? बोले एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, बोले उल्टा घुमा, बोले एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। बोले समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं? बोले क्या है? बोले देखो ये देवताओं का वाणी समझना बड़ा कठिन है, तुम तो इधर से गिन रहे हो एक दो तीन चार, अगर वो उल्टा से गिनेंगे तो जिसको एक कर रहे हो ना आठ हो जाएगा, और जिसको आठ करते हो एक हो जाएगा, हैं? इसलिए वाणी समझना बड़ा कठिन है। अब जो आठ भाई जन्म ग्रहण करेंगे बड़े होंगे सब मिल करके तेरे को मारेंगे। बोले गुरुदेव सबको मारनी चाहिए। बोले मैं क्यों बोलूं, तू जानता तेरे बाप, बस भड़का के चले भाग गए। उसने एक एक कर छह बच्चों को मार डाले। बोले ये छह बच्चे कौन हैं? हैं बोले काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। अगर कोई हृदय में भगवान को बैठना चाहते हैं, हृदय से क्या करो ये चीज को पहले निकालो। और सप्तम गर्भ में साक्षात बलदेव प्रभु श्री दाऊ भैया सप्तम गर्भ में आए। बोले क्यों? कहते जो सप्तम गर्भ बलदेव प्रभु कौन है, ये संधिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता, भगवान को जो धारण करने वाले हैं, भगवान को हृदय में धारण करने वाले बलदेव प्रभु। इसलिए उन्होंने सप्तम गर्भ में जब आए देवकी गर्भ में, फिर जोग माया ने देवकी गर्भ से रोहिणी गर्भ में स्थापन कर दिए, लेकिन उनको पता चला जे गर्भ नष्ट हो गया है, पता नहीं चला। और अष्टम गर्भ में भगवान स्वयं जगन्नाथ जी भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए जब भगवान कृष्ण अष्टम गर्भ में आए, बोले अष्टम गर्भ में क्यों आए, कारण क्या है? तुम लोग सुन रहे थे ना, क्या माधुर्य कादंबरी सुन रहे थे ना, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम। इसलिए कहते जो प्रेम है, कहते अष्टम स्टेज में ये प्रेम है, हैं? इसलिए प्रेम में भगवत दर्शन है, प्रेम में भगवत दर्शन ये प्रेम में ही है। इसलिए भगवान अष्टम गर्भ में, भगवान कृष्ण स्वयं अष्टम गर्भ में आते हैं। इसलिए भगवान आने वाले, इसलिए मैं जब भगवान आने वाले, एक दिन वसुदेव महाराज एक दिव्य स्वप्न देखा, भगवान एक ज्योति रूप में प्रवेश किया,
प्रवेश करते ही उनका हृदय से देवकी गर्भ में प्रवेश किया है। इसलिए एक दिन कंस ने आकर के उसको देखा, उजला उजला हो रहा है, समझ गया मेरे काल आ रहा है। और उसका अंदर में जो हंसी थी ना, वो कोई कल्पना, कोई मन कल्पित नहीं, दिव्य हंसी थी। समझ गया मेरा काल आने वाला, सोच रहा था उसको जान से खत्म कर दूं, हैं जान से खत्म कर दूं, लेकिन उसको हिम्मत नहीं हुआ। क्यों? भगवान स्वयं उसके हृदय में भगवान आने वाले हैं। इसलिए भगवान का जन्म कर्म कैसे, बोले जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जह व्यतीतत्वतः। इसलिए वसुदेव महाराज ने बड़ी सुंदर सुंदर कथा देवकी को सुनाई, कर्ण माध्यम से हृदय में गए और भगवान अभी जन्म लेने वाले हृदय में जब आए, सारे देवता लोग स्तुति कर रहे थे आकाश में आकर के, बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य स जोनी नितम च सत्य सत्य स सत्य मृत सत्य नेत्रे सत्यात्मक त्वाम शरणम प्रपदे। सारे देवता स्तुति स्तव कर रहे थे, देवता लोग प्रसन्न हो रहे थे, भगवान आने वाले हैं, पृथ्वी एकदम हरी भरी हो गई। क्यों? भगवान आएंगे उनको स्वागत करने के लिए। और कमल फूल खिलता है दिन में, रात में खिल गया, जमुना कलकल नाद से बह रही थी, बोले क्यों प्रसन्न हो करके, बोले भगवान मेरे को अपना पटरानी और जमुना जल में विहार करेंगे। और पृथ्वी बड़ी खुश हो रही थी, बोले क्यों, बोले भगवान नंगे प्यार में जब चलेंगे तब उनके चरण स्पर्श मेरे को मिलेगी। इसलिए सारा दुनिया जय जय जयकार कर रहे थे, देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प की बौछार कर रहे थे, सारा दुनिया एकदम प्रसन्न हो रहा था। उसी समय में भगवान देवकी की गर्भ को आश्रय करते हुए भगवान कंस के कारागार में भगवान रात को 12 बजे भगवान कृष्ण प्रकट हुए। बोले भगवान कृष्ण के नैया लाल की। इतने में देवकी बोली, प्रभु आपको मैंने बालक रूप में प्रार्थना किया था, आप तो 16 साल के जैसे प्रकट हुए। बोले अभी मैं बालक बन जाऊंगा, मेरे को गोकुल में लेकर के वहां पर एक बेटी होगी और रख करके मेरे को बेटी को ले आना। बोले प्रभु मेरे हथकड़ी बड़ी पड़ी हुई। बोले कोई चिंता मत करो, मेरे को अपना सर को पर रखो, देन अपने आप सारे दरवाजा खुल जाएगा, पहरादार सो जाएंगे, हथकड़ी बड़ी खुल जाएगी। इसलिए इतने में एक बार उन्होंने भगवान को स्तन पान कराया और सूप को ऊपर रख करके ले जा रहे थे, रिमझिम बारिश हो रही थी, ऊपर में श्री अनंत देव रखा कर रहे थे। जब जमुना में उन्होंने प्रवेश किए, देखा लपालप पानी है। अभी जमुना सोच रही थी कम से कम ठाकुर जी की चरण स्पर्श करूं, इतने में ठाकुर जी अपना चरणों को पीछे बढ़ाए, जमुना नदी भी भगवान चरण को स्पर्श की और बोले इतना पानी में कैसे जाऊं। इतने में जोग माया के सियार बन करके आ गए और सामने सामने चल रहे थे, बोले इतनी सी पानी बस, उन्होंने पार होकर के चले गए और उनको गोकुल में रख करके और वहाँ से एक बेटी को लेकर के आ गए। इसलिए आज हमने कथा सुने कृष्ण कैसे मथुरा में प्रकट हुए, कल हम सुनेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में नंद के लाला बन करके आते हैं और सारे ब्रजवासी कैसे पूरा नंद महोत्सव मनाते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। एक कीर्तन कर लेते और एक मिनट तक जाओ। बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, मिली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो गोकुल में आयो नंद लाला, गोकुल में मेरो गोपाला, मेरो गोपाला, गोपियों से पर गया अब पाला, गोपियों से पर गया। जियो श्याम लाला, जियो नंद लाला, मिली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो मसरों का I'm
चरमर चरमर कर बदना ब्रजवासी बोले ब्रजवासी बाए ब्रजवासी गाए ब्रजवासी गाए आनंद के आनंद भरो आनंद के आनंद भरो हाथी घोड़ा पालकी हाथी घोड़ा पालकी खड़े हो जाओ हाथ लो खड़े हो जाओ नाच लो तो इसको इसको उधर कर दो बोले आनंद भरो नंद के आनंद भरो
राधे राधे राधा गोविंद जय जय राधे राधे राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय जगन्नाथ। देखो हम लोग गुंडीजा मंदिर मार्जन में जाए पहले से कीर्तन एक ही गुंडीजा में मार्जन करते हैं। आज रथयात्रा में भोरी कीर्तन हर दरकार चला देख पहले नहीं आज एक ही कीर्तन करेगा। जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ प्रभु जय Come on, come on, come on.
I'm